हापुड़ की मोदीनगर रोड पर स्थित एक ओयो होटल में 11वीं कक्षा में पढ़ने वाली छात्रा के साथ तीन युवकों ने सामूहिक दुष्कर्म किया। आरोपियों ने तमंचे के बल पर पीड़िता के साथ गैंगरेप किया। पुलिस ने तहरीर के आधार पर तीन नामजद आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है, जबकि शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है। वहीं छात्रा का मेडिकल भी करा लिया गया है। मेरठ के थाना मुंडाली क्षेत्र के एक गांव की रहने वाली 16 वर्षीय छात्रा हापुड़ कोतवाली क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज में कक्षा 11 की पढ़ाई कर रही है। मामला शनिवार का है, जब छात्रा ऑटो में सवार होकर कॉलेज जा रही थी। ऑटो में गांव साफियाबाद लौटी का आयुष भी सवार था, जिसके दो दोस्त गांव जिसोरी निवासी गौरव और ऋतिक बाइक पर पीछे आ रहे थे। जैसे ही पीड़िता असोरा पैठ के पास उतरी तो आयुष तमंचे के बल पर छात्रा को मोदीनगर रोड पर स्थित एक ओयो होटल में ले गया और तमंचा देखकर छात्रा सहम गई। छात्रा को तीनों आरोपी कमरे में ले गए, जहां उसके साथ बारी बारी से सामूहिक दुष्कर्म किया। पीड़िता इसी तरह अपने घर पहुंची और परिजनों को आप बीती बताई। जानकारी मिलने पर परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। परिजन रविवार को हापुड़ कोतवाली पहुंचे और पुलिस को घटना से अवगत कराया, जिसके बाद पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर मुख्य आरोपी को हिरासत में ले लिया है। जनपद हापुड़ नगर में मेरठ के रहने वाले एक व्यक्ति के द्वारा एक FIR पंजीकृत कराई है कि उसकी बेटी के साथ जो है उसके कुछ परिचितों ने रेप किया है, और रेप जो है मोदीनगर रोड पर एक होटल के अंदर किया गया है। इस संदर्भ में उनकी सूचना पर थाना हापुड़ नगर में 306D ITC 307 और पॉस्को एक्ट के अंदर पंजीकृत किया गया है। पीड़िता का मेडिकल कराया जा रहा है और जो अन्य जुड़े हैं उनको कलेक्ट किए जा रहे हैं। जो भी साक्ष्य पाया जाएगा शीघ्रता से कार्रवाई सुनिश्चित। इसमें से जो मुख्य कल्प्रिट बताया गया है वो पुलिस की हिरासत में है और उसके घटना के बारे में जानकारी। सूचना पाकर पुलिस ओयो होटल पहुंची और CCTV फुटेज खंगाले। पुलिस ने तहरीर के आधार पर कार्रवाई शुरू कर दी है और होटल में लगे CCTV की फुटेज को कब्जे में ले लिया है। CCTV में देखा जा सकता है कि एक युवक छात्रा को अंदर ले जा रहा है, हालांकि उसके दोनों साथी कैमरे की फुटेज में नहीं आ सके। पुलिस ने होटल में जमा कराए आधार कार्ड अन्य दस्तावेज कब्जे में ले लिए हैं। तहरीर के आधार पर मुकदमा दर्ज कर लिया है और मुख्य आरोपी को पकड़ लिया है। शेष आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए दबिश दी जा रही है।